किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसी होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी की डिमांड पर हम लेकर आ चुके हैं राजस्थान पीटीटी के ऊपर एक स्पेशल वीडियो। इसमें दोस्तों हम बताएंगे पीटीटी का रिजल्ट है वो ऑफिशियली कब जारी होगा, ठीक है। साथ ही आपकी 100% सटीक कट ऑफ बताएंगे सभी कैटेगरी की, जनरल ओबीसी एससी एसटी एमबीसी ईडब्ल्यूएस की, 2 ईयर एंड 4 ईयर दोनों की, और साथ ही दोस्तों आपकी मेल एंड फीमेल दोनों की, ठीक है। और रिजल्ट कब जारी होगा इसके लिए एक खबरी भी आपको इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। साथ ही दोस्तों आपको इस वीडियो में बताएंगे कि दोस्तों यहाँ पर YouTube पे काफी ज्यादा दोस्तों भ्रामक खबरें चल रही हैं रिजल्ट को लेकर, ठीक है। इसलिए ये वीडियो बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रह गया। दोस्तों ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं कि यहाँ पर दोस्तों मैंने जब YouTube को ओपन किया, काफी टाइम से मैंने पीटीटी पे वीडियो अपलोड नहीं किया था, तो ये मैंने सोचा कि पीटीटी पे वीडियो अपलोड किया जाए क्योंकि आप सभी के बहुत ज्यादा कॉमेंट आ रहे थे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जब मैंने YouTube ओपन किया, सर्च किया, तो YouTube पे ऐसे वीडियो देखने को मिल रहे थे कि रिजल्ट कल जारी होगा, आज जारी होगा, तो इतना मतलब फर्जी YouTube पे चल रहा है। तो दोस्तों किसी के भी वीडियो आप मत देखिए, ये ओनली ऑन शक्ति क्लासेज YouTube पे आप बार बार विजिट करते रहिए। ऑफिशियली यहाँ पर आपको जब भी ऑफिशियली जानकारी आएगी तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। अभी जैसे कि ऑफिशियली जानकारी के साथ हम आपको बताएंगे रिजल्ट डेट, साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट कट ऑफ। दोस्तों मैंने लगभग दोस्तों अभी 1 घंटे मेहनत करके आपके लिए कट ऑफ तैयार की है। मैंने सारी चीजें वापस से देखा एक बार, पेपर का लेवल एक बार फिर से मैंने देखा है, ठीक है। दोनों साल वाला का फर्स्ट ईयर जो 2 ईयर की बीएड कर रहे हैं उसके लिए, और 2-4 ईयर की बीएड कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। साथ ही दोस्तों मेल एंड फीमेल की मतलब कितना क्या कंपटीशन रह सकता है, पिछली बार की क्या कट ऑफ थी, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। बहुत ज़्यादा मेहनत की है मैंने, तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर देना, वीडियो के नीचे लाइक का ऑप्शन है उसे लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पीटीटी की अपडेट के लिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे चलते हैं पॉइंट पे। सबसे पहले कट ऑफ बता देता हूँ, ठीक है आपको। तो सबसे पहले देखिए ये दोस्तों है साइंस वालों की कट ऑफ, ठीक है। आराम से कट ऑफ समझाता हूं मैं आपको, टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, फटाफट से एक बार देख लीजिए, ठीक है। जनरल की यहां पर देखिए सबसे पहले क्या कट ऑफ रह सकती है, तो जनरल की मेल की इस बार दोस्तों 380 के आसपास कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। 380 से 5 नंबर कम भी रह सकती है, 5 नंबर अधिक भी जा सकती है, लेकिन एक एग्जैक्ट आंकड़ा बताए तो 380, जिसके भी 380 से प्लस है वो टेंशन ना ले, ठीक है, उनका सिलेक्शन यहां पर हो जाएगा, ठीक है। जो 380 से कम है उनका हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। फीमेल की मैं बात करें तो यही आंकड़ा 370 पर पहुंच जाता है, ठीक है। ओबीसी की 375, फीमेल की 365, एमबीसी की 365, फीमेल की 355, एससी की 360, फीमेल की 350, ठीक है, एसटी की 355, और दोस्तों एसटी की फीमेल की 345 के आसपास रहने वाले, और ईडब्ल्यूएस की 370 और फीमेल की 360 के करीबन रहने वाले, ठीक है। अब आपको बता दे दोस्तों जो ये आंकड़ा दिख रहा है आपको, इससे अगर आपके प्लस मार्क्स हैं 1, 2, 3 जितने भी प्लस मार्क्स हैं तो आपका 100% आल राजस्थान में सिलेक्शन हो जाएगा, और साथ ही दोस्तों अगर इनसे कम है तो भी आपका हो सकता है काउंसलिंग। आपको दोस्तों जिनके भी 360 भी आ रहे हैं उनको भी करवानी है, और दोस्तों कट ऑफ कम भी रह सकती है, ठीक है, लेकिन फाइनली दोस्तों इससे ज्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी, ठीक है। ये हमारी टीम ने तैयार किया आल राजस्थान में, ठीक है। अब आ जाइए दोस्तों आर्ट्स की कट ऑफ, उसके बाद में ये 2 ईयर वालों की कट ऑफ है, ठीक है, जो 2 ईयर की बीएड कर रहे हैं उनके लिए, 4 ईयर के वाले आके आगे बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये रहा पीटीटी का आर्ट्स की कट ऑफ क्या रह सकती है, तो आर्ट्स की कट ऑफ के लिए देख लीजिए जनरल की 350 जाने वाली हैं इस बार, ठीक है। 350 अगर आपके 350 से प्लस मार्क्स है तो आपका आराम से हो जाएगा इसमें आल राजस्थान में, ठीक है। यानी कि राजस्थान में आपको कहीं भी कॉलेज मिल सकती है, मतलब आपको फर्स्ट चॉइस तो नहीं मिलेगी, फर्स्ट चॉइस के लिए आपको 400 स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। और अब बात करें दोस्तों यहाँ पर फीमेल में 340 और ओबीसी के लिए 345, 335, एमबीसी के लिए 335, 325, एससी के लिए 330, 320, एसटी के लिए 325, 315 और दोस्तों ईडब्ल्यूएस के लिए 340 और दोस्तों फीमेल में 330 की आवश्यकता है, ठीक है। आपको मतलब इतने मार्क्स अगर आपके हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और इससे कम है तो भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करें दोस्तों 2 ईयर 4 ईयर वालों के लिए, ठीक है, तो हटार से मैं बता देता हूँ दोस्तों
चार ईयर का ऑफिशियली मैंने पेज नहीं बनाया है, तो आपको मैं इसी में ही बता देता हूँ। दोस्तों चार ईयर वालों का साइंस की कट ऑफ है वो यहाँ पर लगभग जनरल की रहने वाली 325, फीमेल में आप 10 नंबर कम मानते जाना, ठीक है, 325 के आसपास रह सकती है इसकी साइंस की कट ऑफ जनरल की। उसके बाद में ओबीसी की दोस्तों आपके 315 के आसपास, एमबीसी 310 के आसपास, और एसटीएससी का 300 में हो जाएगा, और ईडब्ल्यूएस का 310 के आसपास, ठीक है। तो ये दोस्तों रहा आपका किसका दोस्तों साइंस वालों का। तो और अब बात करें आर्ट्स वालों का, तो फटाफट से एक बार देख लीजिए आर्ट्स वालों की क्या रहने वाली है। तो आर्ट्स वालों की दोस्तों यहां पर आपकी जो जनरल की कट ऑफ है वो यहां पर रहने वाली 315 के आसपास, ठीक है। ओबीसी की कट ऑफ आपकी दोस्तों लगभग आपके इतने इससे प्लस आ रहे तो आपका आराम से हो जाएगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, ठीक है, 310 के आसपास ओबीसी का, 305 के आसपास दोस्तों आपका एमबीसी का, एंड दोस्तों एससी एसटी का तो 290 या 300 पे ही हो जाएगा आपका, 290 पे हो जाएगा, ठीक है आपका, और ईडब्ल्यूएस का 300 पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आर्ट्स का दोस्तों चार ईयर वालों की कट ऑफ का, ठीक है, फीमेल में 10-10 नंबर, उम्र भी कम कर लेना। और दोस्तों जो विकलांग हैं, जो विधवा कैटेगरी में आते हैं, तो उनके लिए दोस्तों और भी छूट है, तो सभी दोस्तों अगर उनके भी दोस्तों यहाँ पर 300 नंबर भी बन रहे हैं, दो ईयर वालों में भी 300 नंबर बन रहे हैं तो भी उनका हो जाएगा, और चार ईयर वालों में तो 250 में भी हो जाएगा, 250 में भी, ठीक है। तो ये दोस्तों कट ऑफ बता दिए, अब आ जाइए इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिजल्ट कब जारी होगा, ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। तो बात करें दोस्तों फाइनली रिजल्ट की, तो रिजल्ट के लिए क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर हम चलते हैं एक वेबसाइट की तरफ। तो देखिए उस वेबसाइट पे जाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपके फ़ोन में गूगल में लिखना है सरकारी जॉब डॉट को, ठीक है, इस तरीके से देखिए आपको लिखना है, लिखने के बाद में आपको सर्च कर देना है, ठीक है, को डॉट, ठीक है। ये सर्च करने के बाद में आपके सामने पहली वेबसाइट आएगी, आप देख सकते हैं http:// आप देख सकते हैं सरकारी जॉब डॉट, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है, ताकि दोस्तों ऑफिशियली वेबसाइट पे दोस्तों आपको क्या करना है, वहाँ पर दोस्तों सर्वे बहुत ज़्यादा बिजी रह जाता है जब रिजल्ट आता था, यहाँ पर दोस्तों आप रिजल्ट है वो आसानी से चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको नीचे इंस्क्रॉल करना है, रिजल्ट में आपको देखिए ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हैं आपको यहाँ पर देखिए रिजल्ट में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको नीचे आना, यहाँ पर देखिए आपको ये पीटीटी के ऑप्शन में रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक कर देना, जैसे ही रिजल्ट जारी होगा मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आपको यहाँ पर आना है, और आने के बाद में यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको लिंक है वो यहाँ पर डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही रिजल्ट जारी होगा ये लिंक है वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है टुडे, लेकिन टुडे नहीं है, लिंक आपका एक्टिव यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अब बात करते हैं दोस्तों रिजल्ट कब जारी होगा, तो दोस्तों रिजल्ट है वो यहाँ पर आपका देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर 26 सितंबर तक, ठीक है, 26 सितंबर तक आपका दोस्तों करेक्शन ऑप्शन चल रहा है, तो 26 सितंबर तक आपका रिजल्ट आना इम्पॉसिबल है, रिजल्ट आपका नहीं आएगा 26 सितंबर तक, ठीक है। अब दोस्तों आपकी बात करें रिजल्ट की, तो 30 सितंबर से पहले पहले आपका रिजल्ट है वो यहाँ पर जारी हो जाएगा, क्योंकि आपका रिजल्ट है वो कंप्लीट तैयार है, ठीक है। अब बात करें दोस्तों इसके बीच में कितने दिन बचते हैं, तो 27, 28, 29 और 30 सितंबर आपके यहाँ पर डेट बचती है, तो इन चार दिनों में आपका रिजल्ट है वो यहाँ पर कभी भी जारी हो सकता है, ठीक है। जैसे ही दोस्तों इन रिजल्ट डेट में से कोई ऑफिशियली रिजल्ट डेट फिक्स होगी तो मैं आपके लिए वीडियो बनाकर लेकर आ जाऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों बार बार इस चैनल पर विजिट करते रहिए, ठीक है। और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।